आपने प्रथम वर्ष शिक्षित किया, उस शिक्षित करने से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, संघ में एक प्राथमिक वर्ष होता है, फिर प्रथम वर्ष होता है, फिर द्वितीय वर्ष और अंतिम स्टेज है तृतीय वर्ष जी। यानी कि आप मान लीजिए शिक्षा में यदि 10th 12th ग्रेजुएशन और PhD जी, तो उस हिसाब से मान लीजिए कि मैं 12th मैंने की हुई है संघ की, यानी कि प्रथम वर्ष किया हुआ है। प्रथम वर्ष जब हमने किया तो 21 दिन का शिविर हमारा लगा, कृष्णानगर में एक स्थान है, स्कूल है, गीता भवन करके था, उसके अंदर हमारा, क्योंकि काफ़ी समय हो गया उन बातों को जी जी। प्रथम वर्ष लगा 21 दिनों के लिए, हम घर से बाहर रहे, वहाँ ना तो फ़ोन अलाउड होता, ना आप वहाँ पर पैसे ले जा सकते, आपको जो 20-50-100 रुपये बस केवल इतने की अनुमति होती है, केवल बहुत आवश्यक कोई पड़ गया तो उसके लिए 10-20 रुपये बस। आप उन 21 दिनों में घर से कोई संबंध नहीं रख सकते, आप ना बातचीत करेंगे, यहाँ तक कि घर में कितनी भी बड़ी समस्या हो आप वहाँ से वापस नहीं आ सकते, ये नियम होता है संघ का। और इस नियम का जब हमने पालन किया, 21 दिन फ़ोन से दूर रहे, अपने परिवार से दूर रहे, संघ में उस शिविर के दौरान सुबह प्रातः 4 बजे जी एक व्यक्ति आपको सीटी बजाकर उठा देता है, और सीटी तब तक बजती है जब तक कि आप उठ ना जाएं, तब तक चलता रहता है। अगर आप तब भी नहीं उठे तो 4:15 से 4:30 के बीच भजन मंडली आ जाती है, वो आपके कान के पास ढोलक बजाती रहती है, और आपको कुल मिलाकर 4:30 तक हर हालत में उठना और 5 बजे तैयार होकर आपको शाखा स्थल पर पहुंच जाना। रात को 10 बजे तक का एक क्रम चलता है, लगातार चलता है, आपको वहाँ पर बौद्धिक दिया जाता है, संघ के बड़े बड़े वक्ता आते हैं वहाँ पर, बौद्धिक देते हैं आपको,